अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से एक वक्त में दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, यानी एक वक्त में आप विंडोज़ भी यूज़ करें और काली लिनक्स भी यूज़ करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बेसिकली मैं बताऊँगा आप किस तरीके से काली लिनक्स को वर्चुअल मशीन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें काली लिनक्स डाउनलोड गूगल पर जाकर, उसके बाद इस तरीके से कोई लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें पहले पे, और यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ रहे होंगे जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसके लिहाज से डाउनलोड कर लें। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है टोरेंट के जरिए डाउनलोड करना है या फिर किसी और चीज़ के जरिए, ठीक है। ये लिंक दिया गया, इस पर क्लिक कर दें, ये डाउनलोडिंग पे ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब चाहता हूँ वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, ठीक है। तो आपने ये टाइप करना है, वो डाउनलोडिंग पर लगा हुआ है काली लिनक्स का, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब हम करते हैं ओकल वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करते हैं हम। इसके ज़रिए आप एक वक्त में दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.1, वो भी करंट वर्जन है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करिएगा डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.1 पे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आपने यहाँ आना है वर्चुअल बॉक्स 6.1.16 पैटर्न प्लेटफॉर्म पैकेज, आपने यहाँ पे आना, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने उसके मुताबिक यूज़ करना है। विंडोज से तो मैं लिखूँगा विंडोज़ हॉर्स, ठीक है। तो विंडोज़ हॉर्स पे मैं क्लिक कर दूँगा, और सेकंड जो है मुझे इसका एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना है, तो मैं एक्सटेंशन पैक पे आके ऑल सपोर्ट प्लेटफॉर्म पर क्लिक कर दूँगा। अब ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। इसको जाके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और वहाँ पर जाके सेव कर लेता हूँ एक साथ, ठीक है, डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी हो। ये रिफ्रेश करेंगे तो इसका लोगो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स और एक्सटेंशन पैक हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं कर रहा हूँ लोकेशन चेंज, सब एक ही फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन पैक और वर्चुअल बॉक्स, ये दो चीज़ें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं वर्चुअल बॉक्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होना शुरू होगी, तो आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है, और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डिफॉल्ट लोकेशन जो है इसके चाहिए होगी, ठीक है, तो आप कर दें और यस कर दें, यस इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 2 मिनट फाइल्स डाउनलोड हो जाएगा, और फिनिश कर दें, ये हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ओपन, ओरेकल वर्चुअल मशीन को मैं करता हूँ ओपन, या तो आप इसको, क्योंकि मैंने लॉन्च पे क्लिक किया हुआ तो ऑटोमेटिक सेव होने के बाद ओपन हो गया। आप चाहें तो लेफ्ट क्लिक करके सॉफ्टवेयर पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिखाने के लिए ये मैंने किया है। अब ये वर्चुअल बॉक्स ओपन होने के बाद हमने एक्सटेंशन ऐड करनी है वर्चुअल मशीन की, तो उसके लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, पेपर्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आके हमें इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें हम जाएंगे एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे, और वर्चुअल मशीन के जो हमारी एक्सटेंशन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मर पर क्लिक, यहाँ वर्जन लिखा हुआ है, और जैसे कि आप लोग ये याद है मैं डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाया था काली के नाम से, तो मैं उसमें जाऊँगा और उसमें जाकर मैं अपनी वर्चुअल मशीन की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। ये रही मेरी एक्सटेंशन, को सिलेक्ट करूँगा मैं ओपन, और ओके पर क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से मेरी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। इंस्टॉल, एग्री, नीचे आएंगे तो ऑप्शन ऑन हो जाएगा एग्री का, एग्री पर क्लिक करूँगा, और ओके, इस तरीके से मेरी एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी वर्चुअल मशीन की। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे काली लिनक्स का एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी। तकरीबन 1 घंटा लगा इसे डाउनलोड करने में, डाउनलोड कर ली मैंने। उसके बाद मैं आऊँगा न्यू पे, न्यू पे क्लिक करूँगा, और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं पूछा नेम क्या, तो नेम रहने देता हूँ काली लिनक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ जो है टाइप मैं रह दूँगा लिनक्स, और जिसका वर्जन है लिनक्स का 64 बिट वर्जन है नहीं, तो हम डेबियन 64 बिट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है कितनी रैम देना चाहेंगे इसको, क्योंकि मेरी 4GB रैम है तो उसको मैं मिनिमम 2GB रैम देना चाहूँगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लेकिन मिनिमम 2 देनी चाहिए। अगर आपके पास 8 या 16 है तो आप मिनिमम 4 दे सकते हैं। मैं इसको दे रहा हूँ 2GB रैम, 2GB। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, यस क्रिएट कर दूँगा मैं। इसके बाद
VDI Virtual Box Text Image, इसको इसी पर डाल दिया, नेक्स्ट कर दूंगा मैं, और डायनामिकली अलॉटेड इसमें मिनिमम जिस पर चाहिए होगी वो यही अपडेट करेगा, ठीक है। तो मैं कर दूंगा ये सिलेक्ट, और अब इसमें ये मांग रहा है कि आपको फाइल लोकेशन ऐसा मिनिमम कितना फैसला देना चाहेंगे, तो आप मिनिमम वही कर दें, इसका हाफ कर दें, 50 GB स्पेस कर दें, मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस मांग रहे हैं, मिनिमम 20 होनी चाहिए और 50 GB कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट कर दें, और इस तरीके से आपका ये कैलिनक्स का सिस्टम आपके पास डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी ये रन नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाएंगे क्या, नेक्स्ट में जाएंगे एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद कर देंगे इस पर क्लिक, और इसमें जाके हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम और सेटिंग जाके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके अगर हमें गलती हुई है 4 GB नहीं दिया, हमें 2 GB दे दिया हो या 1 GB दे दिया हो, जहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर में जाके मैं इसको कर देता हूँ पूरा, ठीक है, इसका हाफ कर देता हूँ मैं, और बस फिर मैं जाता हूँ डिस्प्ले में। ये सेटिंग्स से आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, अगर आप मेरा फॉलो करना चाहें आप मेरा कर लें, वीडियो मेमोरी मैं उसको पूरी देना चाहूँगा, और बाकी सेटिंग सही है, ऐसे यहाँ कुछ खास है नहीं। स्टोरेज में जाके, ठीक है, अगर आप मैं कुछ ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर मैं जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, चूज अ डिस्क फाइल करूँगा, और स्टोरेज में डेस्कटॉप पर जाके जहाँ मेरा खाली का फोल्डर बना है मैं उसमें जाऊँगा, और यहाँ पर जाकर मैं अपना काली लिनक्स का वर्जन इसमें ऐड कर दूँगा। ये हो गया मेरा ऐड। अब चलते हैं आगे, अब यूएसबी में जाके मैं इसे करूँगा 3.0, इसके बाद कर दूँगा ओके। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट, और ये आपका सारी सेटिंग हो गई, कुछ आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो अब काली लिनक्स को हम स्टार्ट करते हैं डाउनलोड करना। अब मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया तो मेरी काली लिनक्स इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, और स्टार्ट पे क्लिक कर लूँगा। आप चाहें तो इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रूर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया तो मुझे 2 मिनट डाउनलोड करनी पड़ गई थी अपने यहाँ काली लिनक्स, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स लोकेशन नहीं पता, तो आपने सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद इससे इंटरफेस आएगा, आपने क्लिक करना है ग्राफिकल इंस्टॉल पर, ठीक है। अच्छा, इसको फुल मोड करने के लिए आप इसको जाके व्यू में जाकर क्लिक करें और स्विच कर दें, तो आपका फुल मोड में ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है ग्राफिकल इंस्टॉल, ठीक है। ये डिस्प्ले कुछ सेकंड्स लेगा, और इस तरीके से आपका इंटरफेस लगेगा। यहाँ पर अपनी कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश करते हैं, यूनाइटेड स्टेट या ब्रिटिश इंग्लिश सेलेक्ट कर दें, जो भी मर्जी है। उसके बाद आप इसमें से देख लें, मैंने सेलेक्ट कर ली, और लोडिंग लेगा ये। उसके बाद आप इसका होस्ट नेम क्या देना चाहेंगे, होस्ट नेम तो होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ डिफॉल्ट अपना नाम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। उसका निकाल लिया, और डोमेन नेम को आप छोड़ दें। यहाँ पे आप किस नेम दे लें, अपना यूज़र नेम, ठीक है। आप यहाँ पर रैंडमली आप अपना नाम, यूज़र नेम, यूज़र अकाउंट, ठीक है, यहाँ पासवर्ड दे दें। जब आप लिस्ट ओपन करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड अपना। पासवर्ड के लिए आपके पास कैपिटल स्मॉल और नंबर होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू कर दें, यहाँ पर आप ईस्टर्न सेंट्रल जो भी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लोडिंग करेगा। और इसके बाद आप देखें आपने क्या सिलेक्ट करना है, आप चाहे तो यहाँ मैनुअल पर क्लिक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, इसमें ऑटोमेटिक को लगाती है, उसमें सेव कर लिया, ठीक है। आप चाहते हैं मैनुअल में जाके अपना हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद मैं कंटिन्यू तो क्लिक कर दूँगा, और बिल्कुल एडिटिस कंटिन्यू क्लिक कर दूँगा। वो एक ही फोल्डर में ऑल द फाइल यानी एक जगह पर रहेंगे सारी फाइलें मेरी, ठीक है। अगर उससे ये चाहिए सारा सेटअप आ रहा है, ये दिखा रहा है आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह पर जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ पर डाउनलोड हो रहा है आपका। कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यस पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू। वैसे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और यहाँ पे देखिए 3 पे मैंने अनचेक किया हुआ है, अगर क्योंकि मैं एथिकल हैकिंग कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे सारे टूल्स चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। आप चाहे तो बकाया 2 जो अनचेक है उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब तकरीबन ये 30 से 40 मिनट लेगा डाउनलोड होने में, तो उसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं फोर्स कर रहा हूँ,
मैं कर दूँगा कंटिन्यू, थोड़ा लोडिंग ले गई है, उसके बाद उससे भी इंटरफेस आएगा आपको। तो आपके वर्चुअल मशीन हो चुकी है डाउनलोड। इस तरीके से आप पहले बार अगर ऑप्शन पर क्लिक करें माउस से या कीबोर्ड से, अगर माउस से चल रहा था तो कर लें, ठीक है। सही इंटरफेस आपका ये आपकी काली इमेज डाउनलोड हो चुकी है, अभी ओपन हो रही है। और यहाँ पर जो है आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जो आपने अभी डाला था, ठीक है। तो मेरा था यूजर नेम अशर या अशर काली, मैंने चेंज कर लिया था बाद में, ठीक है। मैं बोलूँगा पासवर्ड, पासवर्ड करने के बाद आप देखें यहाँ पे फुल विंडोज़ में और स्मॉल विंडोज़ में ओपन नहीं होता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल राइट क्लिक और होम क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो इसमें आप जाके व्यू में जाके फुल मोड भी कर सकते हैं और स्मॉल मोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी फुल डिस्प्ले में और एक विंडोज पे खोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है कंट्रोल राइट क्लिक होम। इसके बाद मैं जाऊँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में काली लिनक्स के और चेक करता हूँ कि मेरा वर्जन कौन सा है। तो मैं टाइप करूँगा तो इसके साथ देख सकते हैं यहाँ वर्जन लिखा हुआ आ गया मेरा। तो इसका मतलब देखो ये मेरी काली लिनक्स का ये वर्जन डाउनलोड है लेटेस्ट 2020.3, ठीक है। तो ये मेरा काली लिनक्स डाउनलोड हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।